हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कल हम सेबी के बारे में चर्चा कर रहे थे। फेब लास्ट में सेबी की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आने वाली है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रियम्बल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक के आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किए। उसके बाद में बात आई प्रस्तावना की, क्योंकि सबसे पहले संविधान का निर्माण होता है, उसके पश्चात प्रियम्बल का निर्माण होता है। ताकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रियम्बल के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल उसका एक मिरर होती है, दर्पण होती है। फर्स्ट पेज को पढ़ते ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी जानकारी देखने वाले को मिल जाए। तो प्रस्तावना उसी प्रकार का एक मिरर है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के पृष्ठों में यानी आर्टिकल 1, 2, 3, 95 में किस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं, उन सारे प्रोविजंस को एक नजर में व्यूअर जो है वो देख सके। तो इसके लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया। वो जो प्रस्तावना हम अमूमन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में भी, और हमारे जितने भी इस प्रकार के नेशनल फंक्शंस होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या जहां भी, आजकल तो यहां तक भी कि जहां भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जाते हैं या स्टेट के महामहिम राज्यपाल महोदय जाते हैं, वहां भी प्रियम्बल का पार्ट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है वो। वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर के, हम भारत के लोग से लेकर के, कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम इसे आत्मार्पित, अंगीकृत और समर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, तक पूरी जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान के बारे में एक लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है जब बनी, तब ये माना जा रहा था कि ये प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। यहाँ बीच में पहले एक चीज मैं कोट करना चाहूंगा कि आज जो हमारी प्रियम्बल है, और 1950 में जिस डे को 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हुआ था, उसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हमारा आया, उसमें कुछ नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। जैसे बाद में मूल कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, और बाद में जोड़े गए आर्टिकल 51A में भाग 4A के साथ, ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी कुछ नए शब्द जो वो भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने वाले और अखंडता जैसे शब्द है वो बाद में जोड़े गए। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने ये महसूस किया कि भारत के संविधान की तो ये मुख्य विशेषता है, जबकि कहीं भी प्रस्तावना में ये परिलक्षित नहीं हो रही है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। अब दोस्तों, वो जो प्रस्तावना हम संविधान में पहले पेज पे ही पढ़ते हैं, उस प्रस्तावना से संबंधित क्या मुख्य तथ्य हैं जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के अलर्ट बनाते हैं, वो है जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लार्ज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो, वेदर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, इन सारे के सारे चीजें प्रियम्बल को लेकर के वो कवर अप हो जाए, वो क्वेश्चंस की चर्चा मैं अब आपके साथ यहां करने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना वास्तव में चाहे किसी भी प्रकार का संविधान हो, न केवल भारत का संविधान बल्कि भारत में भी इंटरनली अगर किसी सोसाइटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या किसी समाज का, या किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें हमेशा अनुच्छेद होंगे और उसकी एक प्रस्तावना होगी जो कि सबसे पहले होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी संविधान का निर्माण पहले होता है और उसकी प्रस्तावना जो बाद में लिखी जाती है, लेकिन हमेशा प्रथम पेज पे होती है, ताकि एक पेज में ही हम कॉन्क्लूसिव तौर पे उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जान सके कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो प्रस्तावना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य एक बेस होता है, बेसिस पॉइंट होता है, उसी के तहत जो है वो उसको लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको इसमें जो किस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने
चंपकम दोराई राजन का केस सबसे पहले आया, जिसमें ये प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इस केस में पहले ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, उसके बाद गोलकनाथ के केस की भी हम चर्चा करेंगे। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, कैन इट बी अमेंडेड। कुछ केसेस ऐसे आए जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग तो है लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, दूसरे ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो और नए क्वेश्चंस अराइज हो गए। दैट इज फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है बट किस सीमा तक, अप टू विच लिमिट। तो फिर जब संजीव कोकविल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, उसमें प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाइड डिस्कशन किया और उस डिस्कशन में तीन चार चीजें सामने आई जिसमें प्रियम्बल में बनने वाले अब तक के सभी प्रश्नों का जवाब निहित है। वो है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, और वहां तक किया जा सकता है जहां तक कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा नष्ट ना हो, और वो जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जजमेंट में समाहित कर दी कि जो मूलभूत ढांचा है, जैसे विदेशी मामले हैं, विदेश नीति से संबंधित मामले हैं, रक्षा से संबंधित मामले हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वो डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, या जो इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस हैं या अमेंडमेंट से संबंधित प्रोविजंस हैं या व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, संचार से संबंधित प्रोविजंस है, उन सारे प्रोविजंस को मूल रूप से हटाया नहीं जा सकता, मूल रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहां तक आते आते बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी क्लियर हो गया और यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन इटसेल्फ आर्टिकल 368 में भी संशोधन नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से उसको मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था प्रियम्बल से संबंधित, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इनबॉक्स में जाके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।